Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are studying the chapter cash book. The question is, enter the following transactions in two column cash book of Rima and find cash and bank balance. तो जो हेडलाइन होगा क्वेश्चन का दैट विल बी इन द बुक्स ऑफ रीमा, इट विल बी कैश बुक डबल कलम, यहाँ पे टू कलम भी लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट लाइन में आपके डेबिट क्रेडिट होगा, इट इज द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर एंड हैविंग ए मिड लाइन। तो ये जो लाइन के LHS और RHS दोनों साइड होता है, we have date particulars, ledger folio, cash and bank columns and right hand side में भी उतने ही कॉलम होता है और हमें year लिखना है, नीचे question mark नहीं लिखना है। cash और bank में rupee फराडियन का symbol होना चाहिए, likewise right hand side में भी वही होना चाहिए, left hand and right hand, you can easily call them debit side and credit side just like the अदर लेजर जो आप जैसे बोलते रहते हैं। तो नाउ द ट्रांजेक्शंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। अप्रैल 1 को कैश और बैंक दोनों डेबिट बैलेंस दे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अप्रैल 1 को 2000 कैश में लिख देंगे, कैश बैंक बैलेंस के लिए फिर टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पे और नहीं लिखेंगे। बैंक बैलेंस डेबिट है तो इधर लिख देंगे डेबिट बैलेंस, इट इज 24500। इसके बाद आपके डिपोजिटेड इन बैंक, उससे पहले अप्रैल 2 तारीख को यू हैव कैश सेल्स जर्नल करके पोस्ट करो, वी हैव कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट वन इज डिपोजिटेड इन बैंक, इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट इसका जर्नल करके बैंक लेजर में लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ऑन अप्रैल 5 और कैश अकाउंट में लिखो, कैश अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट ऑन अप्रैल 5। दोनों साइड में कॉन्ट्रा लेजर फोलियो कॉलम में सी लिखना है और डेट दोनों में अप्रैल 5 आएगा, इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसको दोबारा पोस्ट करके दिखाता हूँ, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक लेजर में टू कैश, कैश लेजर में बाय बैंक, दोनों जुड़वा लेजर ट्विन लेजर में बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक, बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक। तो 5 तारीख के बाद यू कैन सी इशूड चेक फॉर सोहन, इशूड चेक टू सोहन, सोहन को चेक दिया, इट इज सोहन डेबिटेड 10,000 बैंक में टू बैंक अकाउंट अप्रैल 7 तारीख को, सोहन डेबिटेड टू बैंक। 12 तारीख में रिसीव्ड चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉज्ड लास्ट ईयर 19,800, जर्नल एंट्री होगा डेबिटेड टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 19,800। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के लिए पैसे देता है तो उनसे हमने क्लेम का पैसे लिया। 14th, सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ 25,000, रिसीव्ड कैश 10,000 एंड बैलेंस बाय चेक डिस्काउंट अलाउड 500। तो 10,000 का चेक लिया सेल करके और ये सेल नीरज को करा, तो हम नीरज का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा दोनों केस में एक में कैश आ रहा है, एक में चेक आ रहा है और एक में डिस्काउंट दे रहे हैं, तीनों केसेस, इट इज कंपाउंड एंट्री कर दो। कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, चेक इन हैंड, जो चेक ले रहे हैं तुरंत बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 14,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 500, टू सेल्स अकाउंट 10,000 कैश में और 10,000 जर्नल एंट्री में, 15,000 दोनों मिला के 25,000 हो गया।
तो क्लास में हमने लिखा टू सेल्स 10,000 और जर्नल एंट्री में टू सेल्स 15,000, और जब चेक इन हैंड बैंक में जमा करेंगे और उस टाइम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, फिलहाल नहीं। देन परचेज्ड फर्नीचर बाय चेक 16 तारीख डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जर्नल का लेजर पोस्टिंग। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो ये फर्नीचर का ट्रेडर है नहीं, क्योंकि हमने हमारा ऑलरेडी सेल है, गुड्स सेल का ऑलरेडी एंट्री है, तो फर्नीचर कैन नॉट बी द गुड्स और सेल्स इन दिस केस, या परचेजेस इन दिस केस, या एसेट है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 18 अप्रैल को, सोल्ड फर्नीचर एक्स्ट्रा फर्नीचर फॉर कैश। देन April 20th पेड इन टू बैंक चेक ऑफ नीरज अलोंग विद कैश 2,500। नीरज का चेक 14,500 का था, उसको बैंक में जमा करा अलोंग विद कैश, साथ में 2,500 रुपए कैश जमा करा। तो चेक इन हैंड डिपॉजिट करा 14,500 और 2,500 रुपीज कैश जमा करा। तो जो कैश जमा करा उसका अलग एंट्री होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। इट इज बैंक लेजर में होगा टू कैश अकाउंट डिपोजिटेड इन टू बैंक कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20 अप्रैल को, फिर कैश लेजर में लिखेंगे कैश लेजर, दिस इज द कैश लेजर कैश अकाउंट, इसमें लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 2,500। तो डिपोजिटेड इन टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दिस इज द फंडा, दोनों तरफ कर देंगे कंट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट, बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक, सेम इन कलर में लिखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी एक देखो बैंक टू कैश, ये देखो कैश कैश दोनों सेम है, और बैंक बैंक दोनों सेम है, वो भी डिपोजिटेड इनटू बैंक, ये भी डिपोजिटेड इनटू बैंक, दोनों अलग अलग कलर में मैंने करा है, और दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में एक ही टाइप का इंक यूज किया हुआ है। तो और जो चेक मिला था 14,500 उसको भी बैंक में जमा कर दिया। इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड 14,500, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड 14,500। नेक्स्ट वन इज योर्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड हो गया। देन पेड टू सुमन बाय चेक, इट इज सुमन डेबिटेड टू बैंक, सुमन डेबिटेड 2,500 टू बैंक। देन सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, ये सुमन का चेक वापस आ गया, जब सुमन को चेक दिया था सुमन टू बैंक, रिटर्न आएगा तो इट विल बी बैंक टू सुमन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुमन, और सुमन को हमने 2,500 का चेक दे दिया सेम 26 तारीख को, तो इट इज सुमन डेबिटेड टू कैश अकाउंट 26 तारीख को। देन बैंक चार्जेस चार्ज बाउंसिंग चार्जेस, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक ने हमारा डिजन और चार्जेस हमारे से चार्ज कर लिया, क्योंकि चेक ना हमने इश्यू किया था, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, तो बैंक लेजर में लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, बैंक लेजर में लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 300 रुपए, बाउंसिंग चार्ज बैंक ने ले लिया। देन बाउंसिंग चार्ज मतलब चेक जो दिया था सुमन को दैट बाउंस्ड, पेमेंट नहीं हो पाया। April 29th बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस डेट को आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, जिस उस डेट आने पर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दैट इज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट April 29th। देन नेक्स्ट वन होता है निगम पेड इन टू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड इन द सेम डे,
निगम एक कस्टमर बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा कर दिया, तो बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निगम अप्रैल 30, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निगम 5,000। तो कैश बैंक दोनों को आप टोटल करो, टोटल करके कैश और बैंक को टोटल कर दिया, इसको यहाँ पे ये टोटलिंग यहाँ पे उतार दिया, और कैश कॉलम में 82,000 से आप 55,000 माइनस करके जो बैलेंस आएगा यहाँ पे अप्रैल 30 को लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट लाइन में, नॉट सेकंड लाइन, ये लाइन ना, इस लाइन में नहीं लिखना, ये रूल में नहीं है। जो अगर चार लाइन खाली है तो फर्स्ट लाइन में लिखोगे, 27,000 आ गया। लाइकवाइज 118,000 में 118,800 से आप 22,800 प्लस 2,500, ये 25,300 माइनस करोगे यहाँ से यहाँ तक, ऐड करके 25,300 हो गया। तो 118,800 से माइनस करोगे, यू विल बी गेटिंग 93,500। ये लास्ट डे का बैलेंस कैरेट डाउन निकलता है, इसी को फर्स्ट डे नेक्स्ट मंथ May 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000 और 93,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसके अलावा आपके लिए जो जर्नल था, यहाँ पे तो लिखने के लिए बताया नहीं, बट मैं आपको एडिशनल हेल्प के लिए लिखवा देता हूँ लास्ट में। जिस दिन चेक लिया था उस दिन एंट्री माँ से चेक लिया था, बैंक में जमा नहीं करा था, दैट इज एन April 14। तो जर्नल को प्रॉपरली लिख के टोटल करोगे। दिस इज ऑल अबाउट, मेरे स्टूडेंट से एडवाइज है कि क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ें, इसके बाद हर एंट्री के साथ मेरा वीडियो सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और इसके बाद रजिस्टर में अपने आप लिखें और इसको रिप्रेजेंट करें। रजिस्टर में लिखने के बाद इसको रिप्रेजेंट करें, अपने उसको कंपेयर करें मेरे वीडियो के साथ, और क्विक कंपैरिजन के लिए मैं आपको एकदम नॉट सेल में वीडियो के एंड में कैश बुक्स विद जर्नल एंट्री दोनों दे रखा हूँ। यू कैन कैरी ऑन योर स्टडीज विद दिस, और प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन गेट एज मच मार्क एज यू नीड, एंड कीप ऑन स्टडी।